तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं सैमसंग के आने वाले एक मच अवेटेड मिड रेंजर 5G फोन गैलेक्सी A42 के बारे में, जिसकी अभी रिसेंटली में, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, काफी सारे लीक्स और रूमर्स निकल के आए हैं। लेकिन दोस्त, यहाँ पे जो सबसे कमाल की बात निकल के आई है इस फोन से रिलेटेड, वो ये है कि इस फोन के साथ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉलकॉम 7750 को, जो कि अगेन एक मिड रेंजर 5G SoC है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स ये फोन काफी कमाल का हो जाने वाला है। तो इनकेस अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इस फोन के बारे में जानने के लिए, तो भाई इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देख लेना। और स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को। मैं और ऋषभ, और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। तो भाई जैसे कि हम सब जानते हैं, सैमसंग ने पहले भी अपने मिड रेंज सेगमेंट्स में कुछ 5G फोन्स लॉन्च कर रखे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि वो फोन्स इंडिया के अंदर कभी लॉन्च नहीं किए गए। लेकिन अब ऐसा हो सकता है क्योंकि वन प्लस ने नॉर्ड भी इंडिया के अंदर लॉन्च कर रखा है। इवन भाई यहाँ पे कुछ शाओमी और रियलमी जैसी कंपनीज आपको काफी जल्द इंडियन मार्केट में 15,000 रुपए के कम के प्राइस पे आपको 5G फोन्स ऑफर करती हुई देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि सैमसंग भी इन फोन्स को कम्पीट करने के लिए एक बजट सेगमेंट का 5G फोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली गैलेक्सी A42 ही हो। खैर ये वाली बात देखने वाली होगी, और मुझे नहीं पता ये फोन्स इंडिया के अंदर कब लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन दोस्त अब बातें कर लेते हैं गैलेक्सी A42 के बारे में, जितनी सारी चीजें ऑनलाइन लीक की गई है उनके बारे में, और आप लोगों को भी मालूम चल जाए कि यार ये फोन एक्चुअल में होने कैसा वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अभी रिसेंटली में ही ये खबर निकल के आई है कि इस फोन के साथ आपको कॉलकॉम 7750G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, काफी सारे फोन्स के साथ भी ये SoC आपको देखने को मिल जाएगा कुछ महीनों के अंदर। और साथ ही साथ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, परफॉर्मेंस भी इस SoC की कोई बेकार नहीं है। यहाँ पे आपको डिसेंट लेवल की मिड रेंज वाली परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और सबसे कमाल की बात तो यहाँ पे ये है कि दोस्ती आपको काफी कम कीमत पे 5G ऑफर कर रहा है, तो अगेन ये भी अपने आप में ही काफी कमाल की बात है। और मेरे ख्याल से आप लोग बड़े आराम से इस फोन को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25,000 रुपए से तो नीचे इस फोन की प्राइसिंग नहीं होने वाली इंडिया के अंदर। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो सच में काफी कमाल की बात होगी। लेकिन अब बातें कर लेते हैं इस फोन के साथ आप लोग और क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करना, सबसे पहली बात तो इस फोन के साथ आपको पंच होल कैमरा कटआउट वाला जो डिजाइन आपको बाकी सारे ए सीरीज में देखने को मिलता है उसको छोड़ के भाई साहब यहाँ पे सैमसंग वाले कोई दूसरा डिजाइन इस फोन के साथ ऑफर करने वाले हैं, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस फोन के साथ भी आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली, 6.5 इंचेस से 6.7 इंचेस की इस फोन की डिस्प्ले साइज हो सकती है। बाकी बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करना कि इस फोन के साथ जो बिल्ड क्वालिटी भी है वो भी आपको कोई अच्छी देखने को मिल जाएगी। पॉलीकार्बोनेट का यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा, और बाकी आप लोग रूमर्स वाले रेंडर्स तो आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख ही पा रहे हो कि ऐसा कुछ ये फोन हो सकता है दिखने के मामले में शायद आपको देखने को मिल जाए। नो डाउट दोस्त इस फोन के साथ भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको वही 64 मेगापिक्सल वाला क्वाड रियर कैमरा सेटअप का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है सैमसंग के काफी सारे फोन्स के साथ। अब वैसे बैटरी की जहां तक बात आती है तो सैमसंग के बारे में वैसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सैमसंग काफी दिनों से काफी कमाल के बैटरी बैकअप के साथ आने वाले फोन्स लॉन्च कर रहा है। मतलब बड़े आराम से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि A42 के साथ भी आपको 4 से 5 हजार mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाए। देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि इस फोन के साथ भी क्या हमें 33 वॉट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड करा के देता है सैमसंग गैलेक्सी A51 की तरह, या फिर यहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। खैर ये वाली बात दोस्त देखने वाली होगी। और हाँ भाई देखो, ये तो थी अभी तक की कहानी सैमसंग के आने वाले गैलेक्सी A42 5G की। अब वैसे यहाँ पे आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ख्याल हैं इस फोन के बारे में, वही सारी चीजें आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ऐसा है तो मेरे भाई एक लाइक चिपकाओ इस वीडियो पे, चैनल को कर देना सब्सक्राइब उस लाल वाले बटन को दबा के, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चलो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।